हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है, बारह बजने वाला है ना। सुबह ना हलिया था, पूजा वूजा कर ली थी और ये लोग गए हैं आज चेयर लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग का फर्नीचर जो है पूरा नहीं आ रखा है। तो मैंने बोला था कि आज ना कि चेयर ले आओ। चेयर तो हम लोग अपनी गाड़ी से भी ला सकते थे, लेकिन क्या बोलते हैं, जो बेड है ना वो आई थिंक स्टोर में ख़त्म हो रखे थे, दूसरे बड़े स्टोर से आते हैं वो, उसके बाद ही बेड आ पाएंगे। ये वाले बेड बहुत बेकार हो रखे हैं, साइड साइड से ना एक कट लग रखा है, तो उन को कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उसको चोट लग जाएगी। और ये वाले बेड जो है बहुत बेकार है, दूसरे वाले जो है वो अच्छे हैं, तो देखते हैं परसों। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि हम ना ये वाले जो कुशन है, लड्डू कुशन, इनको धो सकते हैं क्या? ये मैंने ना इनको 2-3 दिन पहले ही धो रखा है। जी हाँ, इनको धो सकते हैं बहुत ही ईजीली, और मैंने वॉशिंग मशीन में धोया, इनको कुछ भी नहीं होता है। और ये वाले तो पुराने वाले हैं, जो नए वाले कुछ मैंने बनाए हैं ना अभी, उन मैंने कॉटन नहीं भर रखा है क्योंकि कॉटन लेके आना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पुराने मैंने बहुत पहले ना, अरे ये तो कंबल है, ये बनाए थे, तो इनमें है टैडी का जो कॉटन होता है वो है कपास, तो मैं सोच रही हूँ इनको यूज़ कर लूँ। और कल मैंने 2 चेयर के कवर और बना लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो देखो पिंक कवर बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये भी सही लग रहे हैं। जो तो कपड़ा बचा, जितना भी कपड़ा बचा हुआ है ना, मैं सब ऐसे यूज़ कर ली। आप लोगों ने बोला, मतलब भले ही मुझे कमेंट बहुत अच्छे आए थे, 3-4 कमेंट आए थे कि बहुत अच्छे कवर बना रखे हैं, और कुशन के डिज़ाइन के लिए भी बोला है, तो बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है मैं आज की वीडियो में या फिर आज एक अलग सा वीडियो बनाऊँ, आप लोग साथ शेयर करूँगी। और मशीन का रिव्यू भी मैं एक अलग सा वीडियो बनाती हूँ, भले 4-5 मिनट का जो वीडियो बनता है छोटा सा, तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे अभी मशीन के बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी है। जिसे मंगाया था कुछ भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने उसका कोई इतना खास रिव्यू नहीं दिया। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि हम लोगों के घर में एक मशीन आ रखी है। तो जैसे ही मेरे अपने पंखे और घर की तरफ नज़र गई ना, देखा बहुत सारे जाले लग रखे हैं और हमारे पंखे इतने गंदे हो रखे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो जब तक ये दोनों आते हैं तब तक मैं घर के सारे जाले निकाल लेती हूँ, क्योंकि जाले लगना कहते घर पे अच्छी बात नहीं होती है। जो भी फोटो फ्रेम्स लग रहे थे इनके ऊपर भी काफ़ी धूल लग रही थी। और हस्बैंड जी ना लेके आ गए थे चेयर, और ये से 4 ला सकते हैं, बट हम 2 ही लेके आए क्योंकि घर पर इतना स्पेस था भी नहीं। तो 2 मैंने कहा चलो कभी कभी कोई आता है ना, वैसे हमारे पास चेयर काफ़ी हैं, 2 बड़ी वाली भी हैं और बाकी 6 डाइनिंग चेयर हैं। तो मैंने ना यहाँ पे एक पिंक कलर का कवर बनाया था, और मैंने देखा है चेयर ना काफ़ी गंदी हो रखी, क्योंकि वहाँ पे स्टोर में धूल वगैरह लगी होगी, और साथ के साथ इनके जो डंडे हैं इनमें काफ़ी जंग लग रखा था। तो हस्बैंड जी बोले कि इसको ना एक क्लीनर आता है हमारे घर पे था, वो जंग वगैरह क्लीन करने वाला, तो उससे ना हम दोनों लग पड़े इनको साफ़ करने में, क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कवर तो मैं इनके बनाऊँगी ही, लेकिन उससे पहले इनका जो जंग वगैरह है ना वो निकाल लेते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ना मिलजुल के लग गए हैं, और साथ के साथ बच्चे भी हमारे इधर उधर घूम रहे हैं। नोनू तो अभी तक सो रखी थी, तो थोड़ी देर में नोनू भी उठ गई यहाँ पे, फिर हस्बैंड जी ना नोनू को भी यहीं पे लेके आ गए, तो बच्चे भी आराम से खेलते रहते हैं। और हम दोनों जब सब लोग घर पे होते ना, नोनू आराम से रह लेती, लेकिन जब अकेले होते तो उसका मन नहीं लगता, तो मेरे साथ 24/7 चिपकी रहती, मतलब कि मम्मा मम्मा वाली है। और देखो हमने कितनी मेहनत करी दोनों ने चेयर वगैरह लगाने में। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जी कल के ब्लॉग को ना कंटिन्यू रखते हैं। जस्ट मैंने अभी नहा लिया है और ये लोग तो चले गए हैं स्कूल और ड्यूटी के लिए, मैं और नोनू है घर पे। तो कल का काम ना अधूरा ही रह गया था, जैसे कि मैंने वो चेयर वगैरह आई, और कल हमने ना पूरी क्लीनिंग करी घर की, जितने भी फ़ैन थे वो सारे साफ करे। फ़ैन इतनी जल्दी गंदे जाते हैं ना, पता नहीं एग्जॉस्ट से जाता है कि धुआं निकल, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि पूरे घर में घूमते रहता है ना, तो क्या होता है ना चिपचिपा हो जाता है, सारी धूल वगैरह जो है फ़ैन पर लग जाती है। तो कल ना हमने सारे फ़ैन चमका दिए हैं, जितने भी कमरे के फ़ैन वगैरह थे और जितने भी घर के जाले वगैरह थे वो निकलवाए। पेंट करवाना था बट ये लोग पता नहीं कब आते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आज ना बाकी मेरा कपड़ा बचा हुआ है तो मैं उसको यूज़ करूँगी, और जो मैं कल नई चेयर आ रखे हैं उनके कवर बनाऊँगी, और साथ के साथ ना ये वाले इसके भी मैंने बना दिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे बनाना है करके। एक मैंने बना रखा है तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस कपड़े में। तो कल ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो सारे हैंगर वगैरह अंदर कर लिए थे मैंने, लेकिन आज बहुत अच्छी धूप आ चुकी है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकती क्योंकि आज भी बारिश बता रखी है। और मेरे ना जो घर से मैं बीज लेके आई थी तुलसी के, अब इतने सारे तुलसी के पौधे लग चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो घर से पौधा लेके आई थी ना उसका वो सूख गया था, लेकिन जैसे ही ये वो सूखा ना तो नए नए पौधे आ गए, मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि यार तुलसी घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो कल मैं लेके आई हूँ कुशन में डालने के लिए कॉटन, और ये जो कॉटन है यहाँ पे मिलता है 200 रुपये केजी मिलता है, तो मैं लेके आई हूँ 1.5 किलो, तो बहुत हो जाएगा, मतलब काफ़ी बन जाएंगे मेरे।
और ये वाला देखो मैंने एक कवर ये बनाया था, जो मैंने यहाँ पे बिछा रखा था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टूल में। फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। तो आज मैं ये वाला जो कॉटन है इसको यूज़ करूँगी, और साथ के साथ ये तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। और बेड इस साइड कर दिया हमने, बहुत कसरत करी जैसे कि आप लोग को पता है हस्बैंड जी, और मैंने वहाँ पे एक पन्नी टांग रखी है, उस पर ना मैंने काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें रखी है। मैं सोच रही थी कि एक बार जैसे पेंट हो जाए तो मैं सारी चीज़ें करूँ, लेकिन तो समझ नहीं आ रहा ये लोग लाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस है इधर का। तो आज जो है ना ये वाइट चेयर के लिए, दोनों के लिए ऊपर बैक के लिए कवर बनाऊंगी, और हो सकेगा तो बैठने वाले के लिए भी। और तो जी करते हैं काम। इधर क्या चल रहा है? हाँ ये क्या है, कौन फैला रहा है सामान? फिर टंग निकालते हो नंसी? जय जय कर दो, जय 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 जय, नच नच के दो, बम 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 बम। अच्छा बाय, दिल से बाय करो, पहले जय जय छोड़ दो, बाय बोल दो, बाय बाय बाय, ये बम 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 बम, जय 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 जय। और इसने देखो सारे कपड़े फैला दिए अलमारी से निकाल के। जय जय ये किधर जा रहे हो, दीदी की शर्ट से पोछा लगा रहे हो आप? हाँ नोनू क्या हो गया, क्या हो गया? मैं ना इन लोगों को बोलती हूँ, एक नोनू है जो 24/7 मेरी दोस्त है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहती है, और ये पूरी मम्मा बेटी है, मतलब मम्माज गर्ल है कम्प्लीटली, मतलब इसको मम्मा चाहिए। ये जब मैं नहीं होती तब डैडा साथ खेलती है, अदरवाइज ये नहीं खेलती दीदी और डैडा साथ, इसको मम्मा ही चाहिए। नोनू मत कर, हाथ दब जाएगा। ये देखो अभी इसने नया चीज़ सीख लिया है, डोर बंद कर देती है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि एकदम से हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं जब भी अंदर होती। तो चलो 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 तो खोल दो बेटो, ऐसा नहीं करते हैं, हाथी हाथी दब जाएगा, आई हो जाएगा फिर हाथ में। हाँ पुत्रू। तो जी अभी मैं सोच रही हूँ कि हम ना एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, यानी कि नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कुशन के कवर और चेयर के कवर सारे बनाएंगे, उसका एक नया वीडियो आएगा। और हम लोग ना इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट कर दो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत अभी मेरा सबसे ज़्यादा तो डाउन चल रहा है ना, वो सब्सक्राइबर्स का चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और व्यूज़ तो खैर चलो कोई बात नहीं, घटते बढ़ते रहते हैं, बट सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है उस पर कुछ कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।